हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सैम जीएस क्रिएशन। आज है 17 अप्रैल और आपकी आज रिवीजन सेशन होगा। आज आप जितना भी आपने पढ़ाई किया है लास्ट मंथ में उसका हम रिवीजन करेंगे। तो फटाफट से आप सभी लोग जुड़ जाएंगे, देन हम सेशन स्टार्ट करेंगे। आई थिंक आप लोग आ चुके हैं तो सेशन स्टार्ट किया जाए, है ना? चले सब लोग। ओके रोमित सिंह जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग आयुष जी। ओके देन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि हाल ही में देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान की दूसरी महिला निदेशक कौन बनी है। रिसेंटली हु हैज बिकम द सेकेंड वुमेन डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। प्रभा नरसिम्हन, माधावी बुच, गीता मित्तल, रेणु सिंह। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। बताइए, सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, रिविजन सेशन है, तो आई होप आपको सबके आंसर्स पता होंगे। चलिए बताइए। गुड मॉर्निंग रिया जी। आयुष जी मैं तो लेट आई, 2 मिनट, आप तो क्लास में ही नहीं आते हैं, है ना? आयुष जी डी बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग चेतन कुमार जी। बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने आंसर दिया है फर्स्ट का डी, रेणु सिंह। बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी, रेणु सिंह। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, वन अनुसंधान संस्थान की हम बात करें तो कब हुई थी? गुड मॉर्निंग अर्चना जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल ठीक है, 1906 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है, डॉक्टर सविता के बाद दूसरी महिला निदेशक बनी है कौन, रेणु सिंह। पहले कौन, इसके पहले रह चुकी हैं कौन, डॉक्टर सविता। ठीक है, चले देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग आंचल जी, ये देख रहे हैं, ये इमेज दिख रही होगी आपको, ये है रेणु सिंह और ये बनी है, क्या बनी है, वन अनुसंधान संस्थान की दूसरी महिला निदेशक। भारतीय वानिकी संस्थान यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भारतीय वानिकी शोध और शिक्षा परिषद का एक संस्थान है। ठीक है, और ये कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, ये यह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी स्थापना मैंने बताया कब हुई थी, 1906। ठीक है, चलिए। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार जो है वो नई दिल्ली ने डॉक्टर रेणु सिंह को वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। ये 1990 बैच की भारतीय वन सेवा मध्य प्रदेश कैडर की ये अधिकारी रही हैं और इससे पहले ये पद डॉक्टर सविता के बाद दूसरी ये महिला निदेशक बनी है। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चंस कराए हुए हैं तो ज़्यादा डिटेल नहीं जाते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 मार्च 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, बताइए किस राज्य ने बनाया, राजस्थान, तेलंगाना, गुजरात, केरल। जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं आयुष जी। रोमित सिंह जी सेकंड का ए, आयुष जी ए बोल रहे हैं, रिया जी ने ए बोला है, आंचल जी ने राजस्थान बोला है। बिल्कुल ठीक है आंचल जी, राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और जनसंख्या पॉपुलेशन की दृष्टि से अगर देखते हैं तो सेवेंथ नंबर का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ओके, अब बात राजस्थान की हो रही है तो आपको पता है कैपिटल क्या है, जयपुर, चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, आप लोग शुरू, बिल्कुल ठीक है अशोक कुमार गहलोत, और गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड आयुष जी। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पे।
राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा राज्य है। 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासतों का विलय होकर बृहत्तर राजस्थान संघ बना और इस दिन राजस्थान के लोगों की वीरता, दृढ़ इच्छा शक्ति और बलिदान के नाम किया जाता है। राजस्थान दिवस को राजस्थान स्थापना दिवस भी कहते हैं। तो कब मनाया जाता है ये? 30 मार्च को हर साल मनाया जाता है। बात राजस्थान की हो रही है तो जुड़े फैक्ट्स देख लेते हैं राजस्थान से। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। कैपिटल जयपुर। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 25 सीटें हैं राजस्थान में, ठीक है। प्रशासन गांवों के संघ अभियान। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान चिरंजीवी शिविर। अपने बजट 2022-23 में इसने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की। और एमएम श्रीवास्तव जो है वो राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। और 30 मार्च 2022 को राज्य जो है वो अपना स्थापना दिवस मनाता है, ठीक है। चले तो ये थी बात राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदलकर पीएम संग्रहालय रखने का फैसला लिया गया है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, भोपाल। गुड मॉर्निंग कमलेश जी। जी बिल्कुल ठीक है, बिना दूरी तय किए कहीं दूरी आप तय नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो आप लोगों को दूरी, तो ये जो दूरी है आप लोगों की सिलेक्शन से, उसको पूरा करने के लिए, सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए आपको ये दूरी तय करनी ही होगी और इसके लिए आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो बिल्कुल डेली क्लास करिए। डेली सुबह 8:30 बजे आपकी क्लास होती है। आप लोग, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, आप लोग डेली आया करिए। चलिए बिल्कुल ठीक है, आप लोग आंसर दे रहे हैं, सबने आंसर दिया है। आयुष जी, आंचल जी, अर्चना जी, प्रशांत सिंह जी, गुड मॉर्निंग। राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। बिल्कुल ठीक है, सबने आंसर दिया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है और इसका उद्घाटन मोदी साहब ने 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पर किया। कहाँ पे? नई दिल्ली में, ठीक है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय, इसका नाम क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। चलिए देख लेते हैं, राजधानी दिल्ली में स्थित नेहरू संग्रहालय यानी द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम अब क्या हो गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय। वेट, कौन सा क्वेश्चन था? नेहरू संग्रहालय, कोई बात नहीं। चले तो बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा नई दिल्ली। गुड मॉर्निंग विशाल जी। इसका जो उद्घाटन है मोदी साहब ने 14 अप्रैल को, कब? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन के मौके पे किया गया है। और इसमें जो है वो पहले क्या था, जवाहरलाल नेहरू से जो जुड़ी यादें थी उसको रखा गया था। अब इसमें प्रधानमंत्री संग्रहालय नाम होने के बाद जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनकी यादों को इसमें रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बात दिल्ली की हो रही थी तो कैपिटल न्यू दिल्ली। गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल। कौन है? चीफ मिनिस्टर
अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 7 सीटें हैं। ये जो फैक्ट्स आप देख रहे हैं ये कहां से जुड़े हैं? दिल्ली से जुड़े हैं। आप, मैं हट चुकी हूं बोर्ड के सामने से, आप लोग देख सकते हैं। मेंटोर ऑफ द कंट्री, आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स, ऑपरेशन सतर्क, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ कैंपियन, देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी कहां पे दी गई? दिल्ली में। अनुभूति क्यू कोड बेस्ड फीडबैक सिस्टम और ई चिट्टा पोर्टल दिल्ली पुलिस ने शुरू किया था। लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता कहां पे शुरू किया गया? दिल्ली में। रोजगार बाजार 2.0, जय भी मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन, श्रमिक मित्रा, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, भारत दर्शन पार्क, चरतीलाल गोयल हेरिटेज पार्क, और दिल्ली के लोकायुक्त कौन बने थे? हरीश चंद्र मिश्रा। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम क्या कर दिया गया है? पीएम संग्रहालय कर दिया गया है। तो ये फैक्ट्स दिल्ली से रिलेटेड है, आपको पता होने चाहिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके आयुष जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 के तीसरे संस्करण का विजेता किसे घोषित किया गया है? पीवी सिंधु, अवनी लेखरा, हिमा दास, मीराबाई चानू, ऑप्शन ई, बोथ ए एंड बी, क्या होगा? रोमित सिंह जी फोर्थ का डी बोल रहे हैं, आयुष जी ने डी बोला है, रिया जी और कमलेश जी डी बोल रहे हैं, मीराबाई चानू, बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मीराबाई चानू जो है वो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021, और संस्करण आपको पता होना चाहिए कौन सा संस्करण है, ये तीसरे संस्करण, ठीक है, तीसरे संस्करण की विजेता बनी है। अच्छा, और बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड मिला है किसे? बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड मिला है शेफाली वर्मा को, किसे? शेफाली वर्मा को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है किसे? कर्णम मलेश्वरी को, ठीक है, कर्णम मलेश्वरी जो है इन्हें मिला है बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और इमर्जिंग अवार्ड मिला है किसे? शेफाली वर्मा क्रिकेटर, इन्हें मिला है। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिला है मीराबाई चानू को। तो ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए। भारतीय वेट लिफ्टर साइको मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के तीसरे संस्करण का विजेता घोषित किया गया है। इस बार का बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ प्लेयर अवार्ड किसे मिला है? शेफाली वर्मा को मिला है, और 2000 सिडनी ओलंपिक में भारत के लिए इन्होंने मेडल जीता था, ठीक है। और यहाँ देख लेंगे, कर्णम मलेश्वरी को मिला है बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, देख लीजिए, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू, बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है कर्णम मलेश्वरी को, और इमर्जिंग इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिला है शेफाली वर्मा को, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कंसल्टेंसी फर्म डफ एंड फ्लेप्स की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? विराट कोहली, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग, बताइए। ओके, रोमित सिंह जी 5 का ए बोल रहे हैं, आयुष जी ने ए बोला है, रिया जी ए और आंचल जी ए बोल रही हैं, बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा डफ एंड फ्लेप्स की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ब्रांड कौन है? विराट कोहली हैं, और दूसरे नंबर पे हैं आपके रणवीर सिंह। कौन है? सेकंड पोजीशन पे रणवीर सिंह हैं, थर्ड पे हैं आपके अक्षय कुमार, ठीक है, थर्ड पे अक्षय कुमार हैं, और फोर्थ नंबर पे आलिया भट्ट हैं। कौन हैं? आलिया भट्ट। तो ये जो आप लाइन से देख रहे हैं, फर्स्ट पे विराट कोहली हैं, देन रणवीर सिंह, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही इनकी पोजीशन भी है, ठीक है। फर्स्ट पे विराट कोहली, देन रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, देन आलिया भट्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, आलिया भट्ट सबसे यंगेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ओके, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने टीम इंडिया की वही बातें लिखी हैं, और ये हाँ सबसे खास बात कि कोहली जो है वो लगातार पांचवें साल जो है वो अपने स्थान इन्होंने बरकरार रखा है। लगातार पांच साल से ये सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ब्रांड है। कौन? विराट कोहली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जिंग किएंग जेरी लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य में है? असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम। आंसर देंगे सभी लोग, रोमित सिंह जी सिक्स का बी बोल रहे हैं, मेघालय। और कोई? आयुष जी और रिया जी ने भी बी बोला है जी, बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये जो लिविंग रूट ब्रिज को विश्व धरोहर स्थल की, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया, कहाँ पे है ये? मेघालय में है। बात मेघालय की हो रही है तो फटाफट आप लोग बता देंगे कैपिटल, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल ठीक है। चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड संगमा, बिल्कुल ठीक है। सत्यपाल मलिक। गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक, और सबको पता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रोमित जी, आयुष जी, बिल्कुल ठीक है, शिलोंग। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं, बात मेघालय की हो रही थी। अच्छा, तो कैपिटल हो गई शिलोंग, कॉनराड संगमा चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। ठीक है, अच्छा यूनेस्को की बात हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है बताइए? यूनेस्को हेडक्वार्टर बहुत बार बताया है, बिल्कुल ठीक है। कहां पे है? पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पे है यूनेस्को का? पेरिस फ्रांस में है। स्थापना कब हुई थी यूनेस्को की? 16 नवंबर 1945। ठीक है, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे अज़ौल है। ठीक है, ऑड्रे अज़ौल जो है वो इसके डायरेक्टर जनरल डीजी हैं, हेडक्वार्टर पेरिस में है और स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। चलिए देख लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। यहाँ पे आंसर भी देख लेते हैं क्या। मेघालय में लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं वानस्पतिक संबंधों को उजागर करते हुए 70 से अधिक गांवों में पाए जाने वाले लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, लगभग 10 से 15 वर्षों की अवधि में जलाशयों के दोनों किनारों पर फिकस इलास्टिक का पेड़ की जड़ों से लिविंग रूट ब्रिज को विकसित किया। पेड़ों की जड़ों से इन पुलों का निर्माण किया जाता है और वर्तमान में राज्य के 72 गांवों में फैले लगभग 100 ज्ञात लिविंग रूट ब्रिज हैं। तो ये देख सकते हैं कैसा सा हो जा, कैसा सा है लिविंग रूट ब्रिज, यहाँ आपको दिख रहा होगा, इस ब्रिज जैसा बन जाता है इन जड़ों से। ठीक है, बात मेघालय की हो रही है तो कैपिटल शिलोंग, गवर्नर सत्यपाल मलिक, चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा, यूनेस्को की बात हो रही है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में है, डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अज़ौल है और स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुड मॉर्निंग आशीष। हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया? 31 मार्च, 30 मार्च, 2 अप्रैल, 1 अप्रैल, बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। रोमित सिंह जी बोल रहे हैं 1 अप्रैल, आयुष जी ने डी, आंचल जी ने डी बोला है। ओके, बिल्कुल ठीक है, आप लोग आंसर दे रहे हैं डी, 1 अप्रैल, बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ये जो उड़ीसा है, ओडिशा, इसका पहले नाम क्या था? उड़ीसा था। ठीक है, क्या था? उड़ीसा था, और 2011 में इसका नाम ओडिशा हो गया। क्या हो गया? ओडिशा, ऐसे लिखा जाने लगा। ठीक है, उड़ीसा से ओडिशा कर दिया गया 2011 में। कब? 2011 में। अच्छा, अब बात बिल्कुल ठीक है आयुष जी, कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर।
गवर्नर कौन है? गणेशी लाल, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक, बिल्कुल ठीक है। चले तो देख लेते हैं। 1 अप्रैल 1936 को अलग राज्य के रूप में उड़ीसा का गठन हुआ और तब इसे बंगाल बिहार उड़ीसा के संयुक्त प्रांत से अलग किया गया था। इसी याद में उत्कल दिवस मनाया जाता है। पहले राज्य का नाम क्या था? उड़ीसा था, और 2011 में इसे बदलकर उड़ीसा कर दिया गया। उत्कल पूर्वी भारत के उड़ीसा राज्य का प्राचीन नाम है, और क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखें तो ये देश का 8वां सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये 11वां सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। उड़ीसा के सांस्कृतिक आकर्षणों में पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और कोडार्क का सूर्य मंदिर प्रमुख है। तो ये फेमस जो मंदिर है वहाँ पे, ये उनकी बात हो गई। चलिए ठीक है, बात हो रही थी किसकी? उड़ीसा की। तो यहाँ देख लेते हैं, कैपिटल भुवनेश्वर, गवर्नर गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, लोकसभा की 21 और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपदा प्रबंधन अनिवार्य विषय कहाँ बनाया गया? ये फैक्ट्स कहाँ से रिलेटेड है? उड़ीसा से, ठीक है। गरिमा योजना, केसरी हल्दी, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, परिश्रम पोर्टल, ये डेली बताती हूँ इसलिए स्पीड थोड़ी फास्ट होती है। जो लोग नए स्टूडेंट हैं उन्हें क्लास करते करते आदत हो जाएगी और आपको भी याद हो जाएगी। भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप, रक्षक सड़क सुरक्षा पहल, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली, छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता, और मिशन इंद्रधनुष के तहत भारत में पूर्ण टीकाकरण की सूची में शीर्ष स्थान पे है कौन? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना की दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन का निर्माण किया है? रशिया, अमेरिका, चाइना, इंडिया। आशीष ए बोल रहे हैं, रोमित सिंह जी ने आशीष ने इंडिया बोला है। रोमित सिंह जी ए, आंचल जी रशिया बोल रही हैं। राजन जी बहुत दिनों बाद आए हैं आप क्लास में, ओके ए बोल रहे हैं। रिया जी ने ए बोला है। ओके दीप जी धन्यवाद, बिल्कुल ठीक है। तो इसका राइट आंसर, जिन भी लोगों ने आंसर रशिया दिया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा रशिया, ठीक है, रूस ने बनाया है। अब बात रशिया की हो रही है तो कैपिटल, करेंसी और प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक है। करेंसी क्या है? रूबल। कैपिटल मास्को, और प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। तो बात रशिया की हो रही है और ये रशिया ने बनाया है, ठीक है। ये नेजल वैक्सीन किसने बनाया है? रशिया ने बनाया है। तो यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन तैयार करने वाले रूस ने दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन भी बना ली है। रशियन स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इसकी घोषणा की गई, और जो इसकी पहली कोरोना वैक्सीन थी उसका नाम क्या था? स्पुतनिक वी था, और इसी का ही नेजल वर्जन तैयार किया है इसने। वैक्सीन जो है वो मेनली बच्चों को ध्यान में रख के बनाई गई है, ठीक है। बात रशिया की हो रही है तो प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कैपिटल मास्को, करेंसी रूबल, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल म्यूस्टिन, ठीक है। नेजल वैक्सीन क्या है? तो नाम से ही समझ आ जाता है कि ये किसके जरिए दी जाती है, नाक के जरिए दी जाती है, और इसे इंट्रानेजल वैक्सीन भी कहा जाता है। जो वैक्सीन मांसपेशियों से इंजेक्शन के जरिए दी जाती है उसे इंट्रामस्कुलर वैक्सीन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब 7वीं बार किसने जीता है? बताइए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। वो भी दीप जी ही हैं, आप अपने भाई को नहीं पहचान रहे आशीष। आज तो सब आए हैं, अच्छा ओके, आज संडे है तो आज सबको फुर्सत मिल गई है। दोनों आयुष भी क्लास में आए हैं, शर्मा जी और आयुष जी। चलिए बिल्कुल ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल ठीक है। आंचल जी, आयुष जी,
जितने जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। चलिए बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सातवीं बार आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, इंग्लैंड को 71 रनों से हरा के जीता है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, तो यहाँ देख लेंगे 1973 में। अच्छा, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सबसे अधिक बार ये खिताब जीता है और इंग्लैंड जो है वो 4 बार जीती है। ठीक है, और 1973 में महिलाओं का वर्ल्ड कप पहली बार खेला गया था, ये चीज़ें इसमें लिखी हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने किसे? इंग्लैंड को 71 रन से हरा के सातवीं बार ये खिताब अपने नाम किया है आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप। यहाँ देख लेंगे 2022 आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ देखिए 1973 में इंग्लैंड कहाँ पे? आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, इंग्लैंड। 1978 ऑस्ट्रेलिया, देन फिर 82 में भी ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, फिर 93 इंग्लैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया। यहाँ देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार, 2005 में भी ऑस्ट्रेलिया है, बीच में एक बार 2000 में न्यूजीलैंड ने जीता था, 2009 में इंग्लैंड, 2013 ऑस्ट्रेलिया, और 2022 वाला भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, तो यहां से देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बना है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। एक बार 2000 में न्यूजीलैंड ने जीता है और सात बार ऑस्ट्रेलिया और 4 बार इंग्लैंड ने जीता है। ठीक है, रेड्डी जी बिहार बोल रहे हैं, आंचल जी ने यूपी बोला है, रोमित सिंह जी यूपी बोल रहे हैं, आशीष ने यूपी बोला है, रिया जी ए बोल रही हैं बिहार, आयुष जी बी बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो बी वाले बिल्कुल राइट है, राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बहुत बार बताया मैंने आप लोगों को क्वेश्चन, अच्छा जब क्लास आओगे तब तो कुछ पता रहेगा, है ना, संडे संडे घूमने आते हैं हम तो, बस जैसे संडे में जब ऑफ होता है तो हम मॉल चले जाते हैं, वैसे ही हम पढ़ने भी आते हैं, ऐसा है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, और फलों का उत्पादक बना है कौन? आंध्र प्रदेश। ठीक है, फलों की बात करेंगे तो फलों का उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश और सब्जियों में उत्तर प्रदेश। अब बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो यहाँ देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, कैपिटल लखनऊ, राज्यसभा की 31 और लोकसभा की 80 सीटें हैं। देश का पहला मॉडल गंगा ग्राम कहाँ पे? वाराणसी में। अरे शर्मा जी आप तो मत ही बोलिए, नहीं मैम ऐसा नहीं है, इतना कोई बिजी नहीं होता कि आप आधे घंटे की क्लास नहीं कर सकते, मैक्सिमम क्लास की टाइमिंग क्या होती है 40 मिनट्स, तो 40 मिनट्स तो आप सब लोग निकाल सकते हो। हाँ दीप जी आप अब तो, अच्छा आपने तो बोला है कि अब आप डेली आने वाले हो, तो दीप जी से तो चलो ठीक है, देखते हैं कि ठीक है आप डेली क्लास कर रहे हो, और लोग जो आते हैं ओके, रोमित सिंह जी चले ठीक है। शादी विवाह घर योजना, बाल सेवा योजना, अटल भोजनालय, बाल विवाह रोकने के लिए सॉफ्टवेयर परिपक्व, मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना, ये लिस्ट आप लोगों को याद तो हो गई होगी। भोगी योजना, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे? नोएडा में। किसान कल्याण मिशन और मैनपुरी स्कूल का नाम, सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पे? जनरल बिपिन रावत के नाम पे। वरासत अभियान, काला नमक चावल महोत्सव, गुड़ महोत्सव, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, निर्भया एक पहल कार्यक्रम, आरोग्य वाटिका, रोपवे की सेवा वाराणसी में, मोदी वैन, सोरों को तीर्थस्थल घोषित किया गया, सरयू नहर परियोजना, आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना, हैदरपुर वेटलैंड, 47वां रामसर स्थल, गंगा एक्सप्रेसवे, ब्रह्मोस मिसाइल की नई मैन्युफैक्चरिंग इकाई कहाँ पे? लखनऊ में, और 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप विजेता उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सी ऑटो स्टैंड स्थापित किए गए? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड। 11th नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग, आयुष जी सी बोल रहे हैं, आशीष ने तमिलनाडु बोला है, ओके जग्गा जी कोई बात नहीं, राजन जी ने सी बोला है,
सी वाले बिल्कुल राइट हैं, दीप जी बी नहीं होगा। अच्छा, भाई ने बी बोला है तो अपुन भी बी बोलेगा, ऐसा है? ऐसा नहीं है, राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि किस राज्य में सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। जी आयुष जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वुमेन्स ऑटो ड्राइवर्स को प्रोत्साहित करने के लिए 3 सी ऑटो स्टैंड चित्तूर में बनाए गए हैं, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। यहाँ देख लेंगे, आंध्र में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए एक ये प्रयास किया गया है, महिला ऑटो ड्राइवर्स को प्रोत्साहित करने के लिए और भयमुक्त वातावरण में वो काम कर सकें, इसके लिए सी ऑटो स्टैंड स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के चित्तूर में 3 सी ऑटो स्टैंड जो है वो बनाए गए हैं। यहाँ पे महिला जो ऑटो ड्राइवर्स हैं अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकेंगी और अपने हिसाब से ऑटो ऑपरेट कर सकेंगी। राज्य का पहला सी ऑटो स्टैंड है ये, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, तो पहला है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बात अगर आंध्र प्रदेश की हो रही है तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956। राजधानी क्या है? अमरावती। लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रेरणा स्थल भारतीय पुलिस फाउंडेशन के स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहले स्थान पे कौन था? आंध्र प्रदेश था। तो ये जो फैक्ट्स आप देख रहे हैं ये कहाँ से रिलेटेड हैं? सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। हाँ बिल्कुल ठीक है आशीष, लिख लो, बुक भी लिख लो। राज्य पशु चिंकारा, राज्य पक्षी नीलकंठ, राज्य पेड़ क्या है? नीम। राज्य खेल कबड्डी, राज्य नृत्य कुचिपुड़ी और राज्य फूल है कुमुद। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये फैक्ट्स आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया है? दिल्ली पुलिस, CISF, CRPF, RPF। ये तो बहुत बार, ये भी मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन किया हुआ है। कितने लोग चाहते हैं कि क्लास की टाइमिंग इवनिंग कर दी जाए, बताइए। ओके बिल्कुल ठीक है, आयुष जी, शर्मा जी, आशीष, रिया जी, आंचल जी ने डी बोला है, राजन जी ने डी बोला है, बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा RPF। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF ने पूरे देश में ऑपरेशन उपलब्ध अभियान, लास्ट में बात करेंगे क्लास की टाइमिंग पे, ठीक है, ऑपरेशन उपलब्ध जो है वो चलाया है। इसमें क्या है, 1500 लगभग दलालों को इसमें गिरफ्तार किया गया, जो भी जो रेलवे की टिकट्स का जो दलाली करते हैं, जो एजेंट होते हैं उन्हें पकड़ा गया है, IRCTC के एजेंट्स को भी इसमें पकड़ा गया है। तो इसके लिए कि ऐसा ना हो, इसके लिए चलाया गया है ऑपरेशन उपलब्ध, ठीक है, RPF के द्वारा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एस फांग नोन कौन्या किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा सदस्य बनने वाली प्रथम महिला बन गई हैं, बताइए। नागालैंड, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड। ऐसा टाइम आप लोग, ठीक है, फिर आप लोग मिलके ही वो टाइम डिसाइड करिए कि जब आप सब आ सकें, ठीक है, चलिए। ओके बिल्कुल ठीक है, नाम से ही पता चल जा रहा है, फांग नोन कौन्या, राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। सबने आंसर दिया है, रोमित सिंह जी, रिया जी, राजन जी, आंचल जी, आयुष जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आयुष जी। तो कैपिटल, नागालैंड की बात हो रही है तो कैपिटल कोहिमा, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड आयुष जी। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो, बिल्कुल ठीक है। बात नागालैंड की हो रही थी, एस फांगनून कौन्याक ये प्रथम महिला राज्यसभा सांसद बनी है, ठीक है, राज्यसभा सांसद की प्रथम महिला बनी है, राज्यसभा सदस्य बनने वाली प्रथम महिला, सॉरी। और इससे पहले 45 वर्षों में
रानो एम साजा के बाद 45 वर्षों में संसद सदस्य बनने वाली नागालैंड की दूसरी महिला है ये। इससे पहले कौन थी, एक बार बन चुकी हैं रानो एम साजा। एस फांग नोन कोन्याक राज्यसभा सदस्य बनने वाली प्रथम महिला बनी है और सांसद के रूप में अगर देखेंगे तो दूसरी महिला, ठीक है। और ये 2017 में बीजेपी में शामिल हुई थी और ये अभी करंट में क्या है, बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। चलिए, कैपिटल कोहिमा गवर्नर जगदीश मुखी चीफ मिनिस्टर कौन है, नेफ्यू रियो। राज्यसभा और लोकसभा की एक एक सीटें हैं कहाँ पे, नागालैंड में। कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप कहाँ पे शुरू किया गया था, नागालैंड में। 3 नए जिले तेसिमिन्यू, न्यूलैंड और चुमेक्यादिमा, कहाँ पे ये 3 नए जिले जुड़े हैं, कहाँ पे, नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया गया, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 7 अप्रैल, 6 अप्रैल, बताइए। 14th नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। छह से 11 सुबह 6 बजे से, या अच्छा शाम में 6 से 11, जानबूझ के आपने ऐसी टाइम ही बताई है कि कोई भी क्लास ना हो। ओके, आप लोग आंसर दे रहे हैं सी, 7 अप्रैल। बिल्कुल ठीक है रोमित सिंह जी, बिल्कुल ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और उसी दिन को 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है, Our planet, our health, ठीक है, our planet, our health जो है वो इस बार की थीम थी, तो ये थीम भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, अच्छा WHO की बात हो रही थी तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बिल्कुल ठीक है दीप जी, राजन जी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है ना, ये तो डेली हो जाता है आप लोगों का, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। और बिल्कुल ठीक है, आप 2 AM पे क्लास लीजिए, अच्छा 2 बजे क्लास लेने पे, चलो ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, हर साल 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसमें क्या करते हैं, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है, और इसका विचार जो है वो 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रथम विश्व स्वास्थ्य सभा में की गई थी। 1950 में इसे लागू किया गया था, आपको पता है कि WHO स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और उसी की वर्षगांठ पे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948, डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम, और थीम क्या है, आर प्लैनेट आर हेल्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, 22, 52, 42, 32 कौन सा, आशीष कुछ ज़्यादा ही, रशिया और यूक्रेन वॉर का कुछ ज़्यादा ही प्रभाव पड़ चुका है, ज़्यादा ही प्रभावित हो चुके हैं आशीष, है ना आशीष। ओके बिल्कुल ठीक है, आप लोग आंसर दे रहे हैं सी, 42, बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 42वां भारतीय जनता पार्टी द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो राइट आंसर 42 हो जाएगा। आपको बताया था मैंने 6 अप्रैल 1980 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इस पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो 42वां स्थापना दिवस मना रही है, और
क्वेश्चन क्या था, हाँ कौन सा स्थापना दिवस मना रही है, तो राइट आंसर 42 हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का निर्माण जो है वो किसने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और यहाँ से देख लेंगे कि बीजेपी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, जगत प्रकाश नड्डा। ओके देन, रिवीजन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिवीजन क्लास थी, है ना, तो मुझे नहीं लगता आज किसी रिवीजन की जरूरत है। सही बोला दीप जी, बिल्कुल। हाँ, क्लास की टाइमिंग आप लोग बताइए कि क्या चाहते हैं आप लोग क्लास की टाइमिंग। मुझे तो लगता है सुबह 8:30 बजे टाइमिंग एकदम ठीक है, मॉर्निंग का टाइम होता है, सब लोग फ्री होते हो। और कोई टाइम आप लोगों को, अगर 7 PM सुबह 8:30, टाइमिंग, मैं सोच रही हूँ एक बार सुबह 8:30 बजे क्लास लगा के, और फिर आप लोग रिकॉर्डेड भी नहीं देखते हो ना। ओके देन, टेलीग्राम पे ना पोल पे आप लोग बताएंगे, मैं 2-3 टाइम आप लोगों को दूंगी, वहाँ पे आप पोल पे, वहाँ पे टेलीग्राम पे तो भी आप एक्टिव नहीं होते हो, होते कितने लोग हो, आते क्लास में कितने हो, तो वहाँ पे आप लोग टाइम बताएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास होगी। 8 बजे जगता हूँ तो 8:30 बजे तक आधे घंटे बहुत होते हैं आँख खुलने के लिए, ठीक है, तो मुझे लगता है आधे घंटे में आशीष की आँख खुल जाती है, लेकिन फिर भी लेट हो जाता है। बारह ए एम 8 PM भी बेस्ट है। मैं बहुत कंफ्यूज हो चुकी हूँ 8:30, 7, 11 और 12 में, तो मुझे लगता है जो टाइम है वही सही है। ओके आचल जी, 8:30 भी पोल पे होगी टाइमिंग, ठीक है, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं। आज आप लोगों का टेस्ट होने वाला था, किसी ने बोला नहीं कि मैम टेस्ट नहीं हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। मैंने बोला था ना संडे आपका टेस्ट होगा, तो किसी ने क्यों नहीं बोला कि मैम टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। ओके रिया जी, मुझे लगता है दोनों आयुष जी को दिक्कत है, और सब लोग 8:30 बजे की टाइमिंग में ठीक ठाक मतलब मैनेज कर लेंगे। अच्छा, रोमित सिंह जी को अब याद आ चुका है, वो पूछ रहे हैं टेस्ट क्यों नहीं हुआ। टेस्ट नहीं हुआ क्योंकि टेस्ट जो है वो सरप्राइज होगा, कल होगा, परसों होगा, कब होगा ये मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन कल परसों नर्सों जब भी 2-3 दिन आने वाले 2-3 दिनों में आपका टेस्ट है, तो आप लोग प्रिपेयर करके आइएगा, ठीक है। दीप जी, आपके गाने और आप माशाल्लाह। ओके विशाल जी, ठीक है, अगर टाइमिंग ठीक है तो फिर यही टाइम रहन देते हैं, बट फिर भी एक बार पोल पे मैं आप लोगों से पूछ लूँगी। ओके, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो ये तो बिल्कुल मत भूलिए, कल भी मैं बताना भूल गई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन आपको यहाँ दिख रहा है, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और ये जो दिख रहा है शेयर करना ना, इसे तो बिल्कुल भी मत भूलना, शेयर ज़रूर करना, खुद तो नहीं आते हो, कम से कम अपने फ्रेंड्स को बोल के शेयर करके उन्हें ही बोल दिया करो क्लास कर लें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे।